दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष। देखिए कांग्रेस पार्टी ने सही मायने में कांग्रेस को इकट्ठा रखने के लिए चार कार्यकारी अध्यक्ष बनाए और चार कार्यकारी अध्यक्ष में से दो हमारे साथ आ गए। मैं हर्ष महाजन जी का कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, गृह मंत्री है, उनका अपनी पार्टी में स्वागत करता हूं। बड़े परिवार में आकर के आप हम सबके साथ मिलकर के काम करेंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए ये सोचने का विषय है कि आखिरकार कैसे संभालना है। चार में से दो तो निकल गए और स्वाभाविक रूप से आज किसी और को बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिखरता कुनबा कांग्रेस पार्टी का पूरे देश भर में बिखर इस कदर गया है कि उसको समेटना कठिन है। और भी सर, और भी नाम, सुरेश शर्मा जी का नाम भी आ रहा है सर, क्या और भी सर संपर्क में? लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, इस बारे में अभी तक टिप्पणी करना उचित नहीं है। आगे सर आपने बोला कि दो आगे दो बाकी रहते हैं, क्या दो बाकी आगे? तो हम तो कोशिश यही करेंगे कि बाकी भी आ जाएं। सर जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस का हश्र हुआ है, वहाँ पे जिस तरह से गहलोत जी नाराज हुए हैं, कितना फायदा हिमाचल को लगेगा? क्योंकि हिमाचल में भी चुनाव है और कांग्रेस लगातार अपने राजस्थान का जो है हवाला हिमाचल में दे। देखिए राजस्थान की वजह से हिमाचल में फायदे होने के लिए हम कोई बात कह नहीं रहे हैं, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि पूरे देश की स्थिति ऐसी है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो पर निकले हैं, यहाँ कांग्रेस के नेता सीनियर नेता कांग्रेस छोड़ो पर अभियान पर निकले हुए हैं। गोवा में 10 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा शामिल की, 11 में से 8 विधायकों ने भाजपा शामिल की। हिमाचल प्रदेश में दो पहले ही विधायक जो है वो हमारी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो इसलिए कांग्रेस के लिए बहुत बुरा वक्त चल रहा है, उनको इस बात को समझाना स्वागत योग्य है और उनकी गतिविधियाँ संदिग्ध पाई गई थी और एक बार नहीं अनेक जगह सबूत साक्ष्य काफ़ी इस हद तक जो है वो प्राप्त हुए। उसके बाद इस दिशा में आगे कदम जो बढ़ाया गया है, उन पर बैन किया गया है, बैन लगाया गया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी को बधाई देता हूँ और इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। सर आपको लगता है कि ऐसी जो देश विरोधी संगठन है और भी अगर ऐसे हैं तो उनको आइडेंटिफाई किया? सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के सामने देश सर्वोपरि है, सदैव उन्होंने अपनी बात में इस बात का जिक्र किया है। और ऐसे में जिस प्रकार से कुछ विघटनकारी ताकतें देश को जो है वो काफ़ी लंबे समय से इस तरह से गतिविधियों के माध्यम से नुकसान पहुँचा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है और मैं समझता हूँ कि यह सही निर्णय है। और इस निर्णय के माध्यम से बहुत सारे जो लोग जो देश के प्रति अच्छा नहीं सोचते हैं उनको अब अच्छा सोचने पर विवश होना पड़ेगा। सर हर्ष जो है झटका दिया है भाजपा ने, क्या कहना चाहिए?